हरियाणा के कई जिलों में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में बिजली की कमी की वजह से किसानों को अपनी खेती में परेशानी आ रही है। किसानों के पास ये ताजा मुद्दा है। इसके अलावा कई योजनाओं के तहत किसानों को मिलने वाली सुविधाओं को लागू नहीं किए जाने से भी किसानों में रोष है। किसान अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग अलग जिलों में डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। इससे पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी थी। बहरहाल किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि आज हरियाणा के अलग अलग शहरों में किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसान अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बिजली के अलावा भी कई मुद्दे शामिल हैं। चाहे वो गेहूं की फसलों को लेकर एमएसपी दिए जाने की मांग हो, चाहे खाद की कमी को पूरा करने की मांग हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रोक्ष चौधरी जुड़ गए हैं। प्रोक्ष, प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए आज किसान कई जिलों के अंदर जो है उपायुक्तों को मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी मुख्य मांगे जो है, क्योंकि इस बार गेहूं जो का दाना है वो हल्का है, ऐसे में उनकी तरफ से मांग की जा रही कि 500 रुपये जो मुआवजा है वो सरकार दे। साथ ही साथ जो ट्यूबवेल कनेक्शन है जिन्होंने अप्लाई किया है उनका जो उनको जल्दी से जल्दी ट्यूबवेल कनेक्शन दे, सभी शर्तें हटा के। साथ ही साथ जो आगजनी हुई है इस दौरान गर्मी के कारण जो आगजनी हुई फसलें जली है उसका मुआवजा दे। साथ ही साथ क्योंकि ऐसी कई मांगे हैं उसको लेकर आज किसान जो है जिला सभी जिलों में पहुंचेंगे और जो जिला उपायुक्त है उनको अपना जो मेमोरेंडम है वो सौंपेंगे। और अगर बात करें गुरनाम चढ़ूनी की तो जो जानकारी है, गुरनाम चढ़ूनी जो है कुरुक्षेत्र के अंदर रहने वाले हैं और ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही साथ उनकी मुख्य मांगी यही है कि 500 रुपए, क्योंकि गेहूं का जो दाना है वो हल्का हुआ है तो ऐसे में 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से जो है उनको मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो आग जो किसानों की फसल जली है जो उसको उसका मुआवजा जो है सरकार दे। साथ ही साथ जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो दिए जाने हैं, जो जिन लोगों ने अप्लाई किए हैं वो ट्यूबवेल कनेक्शन जल्दी से जल्दी जारी हो, ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाए। साथ ही साथ जो शर्तें लगाई गई है वो शर्तें भी हटाई जाए। तो ऐसे में और साथ ही साथ जो बीमा कंपनी है, जो बीमा कंपनियों की तरफ से जो बकाया है वो जल्दी से जल्दी किसानों को रिलीज करे। तो ऐसे तमाम कई मुद्दों को लेकर जो आज किसान है वो जिलों में जो मेमोरेंडम है वो जिला उपायुक्तों को देंगे। जी बिल्कुल प्रोक्ष, जो बीमा क्लियरेंस की बात आपने की है जो इनके 5 सूत्रीय मांगों में शामिल है, उसको लेकर तो अभी अपडेट ये भी आया है कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, ये मुद्दा भी उन्होंने उठाया है, खाद की कमी को की आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया है। तो ये माना जा रहा है कि किसानों की मांगों पर धीरे धीरे काम होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बीते दिन जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने भी जो है कई मुख्य मांगे जो है उनके सामने रखी है। साथ ही साथ देखा जा, क्योंकि माना जा रहा है जिस तरीके से कृषि मंत्री ने मुलाकात की है जेपी दलाल ने, तो ऐसे में किसानों के कई अहम मुद्दे उसमें डिस्कस किए गए और कई क्योंकि बीमा कंपनियों की तरफ से जो बकाया है वो जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल जो मुआवजा है क्योंकि गेहूं का जो दाना है वो हल्का हुआ है, ऐसे में वो दिया जाए। झाड़ भी कम हुआ है और साथ ही साथ जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो जिन्होंने अप्लाई किया है वो भी जल्दी से जल्दी दिया जाए किसानों को। तो ऐसे में इन तमाम कई सूत्री जो ये मुद्दे है उसको लेकर मेमोरेंडम भी जो है आज किसान देने जा रहे हैं। जी प्रोक्ष, इस पूरे प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि किसानों की काफी समय से कई लंबित मांगे भी रहती है और ऐसे में करंट का ये मुद्दा है कि गेहूं को लेकर जो 500 रुपए क्विंटल जो मुआवजे की मांग है वो किसानों की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में प्रशासन जो है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और हालांकि किसानों की तरफ से यही कहा गया कि शांतिपूर्वक तरीके से वो जाएंगे और जिला उपायुक्तों को अपना मेमोरेंडम देंगे, लेकिन प्रशासन फिर भी पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है और पूरी तैयारी जो है प्रशासन की तरफ कर ली गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोक्ष इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से हरियाणा के अलग अलग शहरों में किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये कहा जा रहा है, हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम तैयारी की जा रही है की गई है ऑलरेडी। और 5 सूत्रीय मांगों में कई मांगे ऐसी हैं जो किसानों से जुड़ी, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने तमाम जो मांगे किसानों की हैं वो बताई हैं, ज्ञापन सौंपेंगे और प्रशासन से मांगों को जल्द पूरी करने की अपील किसान करेंगे।